को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। सो वंस अगेन वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? जिसको देखने के बाद दिए थी हमने रिएक्शन वीडियो हमारे इसी चैनल पर, अगर आपने वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप जाकर देख सकते हैं। सो जवान का ये ट्रेलर भैया भाई साहब पूरा हिला दे रहा है अंदर से, क्योंकि घूस बम देने वाले इसके अंदर डायलॉग्स और घूस बम देने वाला एक्शन भरपूर भरा है। सो वाकई गजब बना है जवान का ट्रेलर। तो भाई साहब जवान के इस ट्रेलर के अंदर घूस बम लाने वाले डायलॉग और घूस बम लाने वाला स्क्रीन प्ले और साथ ही एक्शन जो कर दे रहा है प्रूफ, करण जौहर ने कहा था कि सेंचुरी ऑफ द ट्रेलर। तो वाकई कैसा है ये ट्रेलर, किस तरह है इसकी एडिटिंग, किस तरह है इसका कलर ग्रेडिंग और VFX, और साथ ही बात करेंगे इसे किसने किया है डायरेक्ट और कौन है इसमें कास्ट और कौन बना है विलन। तो बनिए रहिए हमारे वीडियो के साथ, बढ़ते हैं हम वीडियो में और करते हैं पूरी बात। जवान का ये ट्रेलर हो चुका है रिलीज, जिसका है टाइमिंग 2:45। कि इस मूवी के अंदर आएंगे कास्ट जो आएंगे लीड रोल में, वो आएंगे शाहरुख खान और साथ में आएंगे नयनतारा और साथ में बैकग्राउंड में आएंगे 6 गर्ल्स। और साथ ही बात कर देंगे इसकी कास्टिंग के अंदर, तो नजर आएंगे हमें विलन के रूप में विजय सेतुपति। और बात करें हम अगर कैमियो की, तो कैमियो में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, थलापति विजय भी इसमें आएंगे नजर। यहाँ तक का न्यूज आ रही है कि इसके अंदर संजय दत्त भी कर सकते हैं कैमियो। इस मूवी के अंदर ओवरऑल अभी तक तीन गाने हो चुके हैं रिलीज। पहला ये गाना दूसरा ये गाना और तीसरा ये वाला गाना। देखिया छैया छैया रे अब करता था तैयार रमैया मस्ता भैया रमैया मस्ता भैया। तो जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हो जाता है शाहरुख खान का जेट क्रैश और शाहरुख खान गिरते हैं तालाब में और उन्हें उठाकर लेके जाया जाता है किसी गांव वाले के जरिए और लपेटे दे जाता है पूरी पट्टिया जैसे होता है मम्मी। और ये जो पुराना सिस्टम है हीलिंग करने का, अगर बॉडी के ऊपर मल्टीपल फ्रैक्चर और मल्टीपल जख्म है तो इससे होती है हीलिंग। तो आगे जब बढ़ते हैं हम तो इसके अंदर बताया जाता है शाहरुख खान का गंजा वाला लुक जो कर लेते हैं एक ट्रेन को हाईजैक और ट्रेन के अंदर आता है एक फनी डायलॉग ये वाला। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। और उसके बाद में एक डायलॉग आता है शाहरुख खान का ये, अपनी जान हजार बार दांव पर लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ देश के लिए। फिर उसमें होती है विजय सेतुपति की एंट्री और विजय सेतुपति का आता है ये डायलॉग, अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो। तो गजब लगता है। और विजय सेतुपति जो बने हैं इसके अंदर विलन और उनकी वाइब जो चलती है साउथ के अंदर ऑलरेडी गजब चल रहा है विक्रम के पास से विजय सेतुपति का वाइब, क्योंकि और बंदे का जो एक्टिंग का क्रेज है वो गजब है। हम के ट्रेलर के अंदर दिखते हैं हमें शाहरुख खान मल्टीपल लुक में, जिस तरह दिखता है ये लुक जो है पट्टियों वाला, एक ये लुक जो दिखता है हमें कॉप वाला, एक ये लुक जो दिखता है हमें जवान वाला और एक ये लुक जो दिखता है हमें बुढ़े टाइप में और एक ये लुक जो दिखता है हमें टकला गंजे टाइप में। और भी इसके अंदर लुक है जो है उनके बाप के रूप के अंदर। सो मल्टीपल लुक्स के अंदर शाहरुख खान लग रहे हैं इसके अंदर गजब। और आप भी बता सकते हैं कि किस तरह लग रहे हैं शाहरुख खान कमेंट करके। सो ट्रेलर की बात की जाए तो इसे डायरेक्ट किया है अटली कुमार ने, म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने और इसे इस ट्रेलर को एडिट किया है वो एडिटर है जुबिन, जिसने एडिट किया था मरसल, पुष्पा 1 और पुष्पा 2 जैसी मूवी एडिट। सो फाइनली कंफर्म हो चुका है इसके अंदर शाहरुख खान के आएंगे दो कैरेक्टर, एक बनेगा बाप और दूसरा बनेगा बेटा। क्योंकि जब आता है फाइनली ये डायलॉग कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर,
बाप से बात करना था, क्योंकि ये डायलॉग घुस बम ला लेता है इस ट्रेलर के अंदर। ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात की जाए, वैसे आउट ऑफ 5 रेटिंग हम देंगे इसको 4, क्योंकि ट्रेलर बना ही उस लेवल का है भाई साहब। बैकवर्ड गैंग है, वो बैकवर्ड गैंग कहीं नजर नहीं आ रही है अब, क्योंकि बैकवर्ड गैंग ने जो किया था पठान का बैकवर्ड, तो हमें भी पता है पठान किस तरह बैकवर्ड रही है। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं बैकवर्ड गैंग कब नजर आती है। शायद बैकवर्ड गैंग जो है वो है एक मौसमी मेंढक जो ट्रोल करना चाहती है शाहरुख खान को। तो ओवरऑल जब शाहरुख खान होते हैं ट्रोल तो एक तरह से हो जाती है प्रमोट, और शाहरुख खान ने हम इस बार इस मूवी में कर दिए है एक प्रमोशन का एक डायलॉग जो कर दिए है उन्हें बेटे को हाथ लगाने से पहले, जो किया है उन्होंने सीधी सीधी बात समीर वानखड़े के ऊपर, जो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल और हो रही है एक तरह से मार्केटिंग की स्ट्रेटजी ऑफ द शाहरुख खान। तो ये था जवान का ट्रेलर ऑफ द रिव्यू। तो आपको जवान के ट्रेलर के अंदर कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो आपको किस तरह लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, एंड बने रहिए हमारे वीडियो के साथ इसी तरह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।